चोरों के हौसले हुए बुलंद, नहीं है प्रशासन का कोई खौफ और ना ही किसी बात का डर। रात होते ही शुरू हो जाता है इनका मनमानी धंधा। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या कसी जाएगी इन दरिंदों पे लगाम? जनता को जानना है ये सवाल। कानपुर से बड़ी खबर है। कानपुर के भैरामपुर थाना सचेंडी के अंतर्गत, जो कि बिधुनु किशन नगर मेन रोड के पास से बने जगदेव सिंह इंटर कॉलेज में देर रात चोरों ने दस्तक दी और ऑफिस का ताला तोड़कर उसमें रखे कागजात बिखेर दिए। इसके बाद कंप्यूटर रूम का दरवाजा तोड़कर कंप्यूटर, सीपीयू, ड्राइव और सब गाड़ी में लाद कर लेकर चले गए। और जब दूसरे दिन चपरासी पेड़ों को पानी देने गया तो देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत 100 नंबर पर चोरों की सूचना दी, जिसके बाद विद्यालय के प्रबंधक संजय सिंह को सूचना दी गई। संजय सिंह ने तुरंत सचेंडी पुलिस को लिखित शिकायत में दर्ज कराई। पुष्टि में लाइव समाचार 24 घंटे 7 दिन से शुभम तिवारी। संजय सिंह का मोबाइल नंबर है 7905510940। इंडिया समाचार से ये थी हमारे संवाददाता क्राइम रिपोर्टर गौरव पासवान के साथ हबीबुर रहमान की खास रिपोर्ट। जब एक आपको कैसे जानकारी हुई कि आपके यहाँ पे चोरी हुई है? हमारा नाम उत्तर चपरासी है। वो कल सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे आया जी, ताला खोल के देखा तो इधर सामान टूटा हुआ पड़ा था, गेट खुला हुआ था। अच्छा, आपको किसी के ऊपर शंका है? मुझे नहीं। अच्छा, तो इसके बाद आपका लगभग कितना सामान, मतलब अनुमानित कीमत कितनी लगभग सामान? 2,00,000 रुपये और 2,000 रुपये। 2,000 रुपये कैश पड़ा था आपके ड्रॉर में, वो गया। बाकी आपका ये एलईडी गई, एलईडी गई, दो कंप्यूटर गए, सीपीयू गया और 2 DVR। और जबकि आपके स्कूल में कैमरा भी लगा था, तो वो भी गया आपका, और कैमरे के दोनों DVR भी निकाल लिए गए। यानी शिनाख्त के तौर पे उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। अच्छा अच्छा, तो इसकी सूचना आपने संबंधित थाना सचेंडी में दे दी है और FIR पंजीकृत हो गई? बिल्कुल हो गई। ठीक भैया।